Hare Krishna. Let us all chant together and do Harinam Sankirtan, which is the Yuga Dharma of this Kali Yuga.
हम बस हरिनाम संकीर्तन शुद्ध मन से एकदम अपने दिल के साथ करें तो भगवत प्राप्ति तो बिल्कुल होगी। कुछ कुछ लोग मुक्ति की बात करते हैं और बहुत सारी ऐसे अन्य चीजों की बात करते हैं कि स्वर्ग मिल जाए, ये मिल जाए। तो देखिए, जब हम ऊंची चीज तो प्राप्त कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें तो अपने आप ही आ जाती हैं, तो क्यों ना अपना गोल उन परम श्री कृष्ण को बनाया जाए जो कि सर्व कारण कारण है, हर कारण के कारण है, है कि नहीं? तो हमें कितना हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए? डेली करना चाहिए, रोज करना चाहिए। इनफैक्ट निरंतर नाम लो करो तुलसी सेवन। जब हरिदास ठाकुर उन माता जी को जब बता रहे थे, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट के जब वे शरीर में थी, तब वे जब आई हरिदास ठाकुर के पास, तो उन्होंने बताया कि मैं किस तरह से अपने आप को इस मार्ग पर रखूं। तो हरिदास ठाकुर ने बताया कि निरंतर नाम लो करो तुलसी सेवन अची रत पावे तबे कृष्णेर चरण। तो निरंतर नाम लेना है इसको, सदा कीर्तनीय सदा हरि। तो निरंतर जब हम नाम लेते हैं, जब उनका स्मरण हमें हर सेकंड जब होता है, तो वही एक्चुअली इस लाइफ का गोल है। दैट इज द रियल गोल ऑफ दिस लाइफ एंड द वे टू रीच दैट गोल इज नाम। तो श्रीमान अमोघलीला प्रभु जी बहुत सुंदर बात एक बोलते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है नाम लेना, और रास्ता क्या है वो भी है नाम लेना। तो जो हमारा गोल है दैट इज ऑल्सो टू चैंट द होली नेम एंड द वे इज ऑल्सो थ्रू चैंटिंग द होली नेम। सो लेट्स टेक एडवांटेज ऑफ दिस वंडरफुल प्रिंसिपल, बिकॉज कलयुग में इतनी सिंपल विधि दी गई है, हरे नाम एव केवलम। तो इस सिंपल सी विधि को, इस सिंपल से हरिनाम संकीर्तन को जब हम दिल से करते हैं, जब हम कृष्ण को पुकार लगाते हैं, तो कृष्ण सुनते हैं, और एक तुलसी के दल के बल पर वे श्री कृष्ण श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमें ये हरिनाम संकीर्तन देने के लिए ही आए हैं। तो आइए हम इस जीवन को सफल बनाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मिलकर इस हरिनाम संकीर्तन का आनंद ले, इसको रोज डेली अपनी प्रैक्टिस में लगाएं। जैसे मेरी माता जी ने भी अभी बोला कि हमें डेली इसको चैंटिंग करना है, तो हम लोग किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं कि दिन में 5 से 10 मिनट हम लोग शुरू करें ऐसा कीर्तन करना, और धीरे धीरे करके कृष्ण को आता है किस तरह से हमारा टाइम हमसे लेना है। वो परम चोर है, एक चौराष्टकम भी उनकी उनकी ग्लोरी के अंदर बना हुआ है। तो हमें बस इस मार्ग को शुरू करना है, येन केन प्रक्रिया, इसको शुरू करेंगे तो आगे लेके जाने की जिम्मेदारी भगवान अपने सर पर ले लेते हैं। तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने हमारे साथ इस हरिनाम संकीर्तन में भाग लिया, और आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसे निरंतर कीर्तन करते रहे और आपको अपनी सेवा देते रहे, भगवान की सेवा में हम लोग लगे रहे, और आप भी हमारे लिए ब्लेसिंग कीजिए, प्रेयर कीजिए कि हम सदा इस नाम में लगे रहे, और कभी भी मन भटके भी ना, अगर भटके तो फिर से वापस आ रहे इस नाम पे, बिल्कुल वापस खींच के मन को लाना और इस पथ पे आगे लेके जाना है। तो जो लोग कहते हैं कि मन नहीं लगता, मन भटकता है, तो उसका क्या उपाय है? उसका उपाय है हरिनाम कीर्तन करते रहना, हरिनाम लेते रहना, चाहे मन लगे या ना लगे, फिर भी लेते जाना है मन को स्थिर रखने के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय जय श्री राधे श्याम।